So hello everyone, welcome to our new vlog. So guys, finally अभी बज रहे हैं 12. यहाँ से vlog मैं करूँगा. अरे सुनो तो भाई, अभी तो शुरू हुआ है. तो how the Jones audience? ताकि उनका 20 के हो जाए और हम केक काट पाए. केक लेके जाते हुए 20 के का तो बुलाना चाहूंगा केक कटिंग के लिए. क्लैपिंग बनता है, जोरदार तालियां. हाँ भाई सुन ना, संभाल के पहुंच. आऊंगा कंगना इसका टाइटल टाइटैनिक. कुछ दिनों के बाद आप लोग अलग हो जाइएगा. एंड इवेंट का जो खाना है वो यहाँ पे तैयार हो रहा है. ये मिक्स वेज है, पनीर आइटम है. और हमारे को पार्टनर सेवेंथ हेवन माता से ट्रॉफी चीफ गेस्ट कवर हो जाएगा. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर न्यू व्लॉग. सो आज से आप लोगों को पता है, नहीं स्टोरी से पता चल गया होगा कि आज 2 दिसंबर है. आज जो द यूनिवर्स फिजिक्स क्लासेस है अमन सर का, उनका इवेंट है मेरे साथ कॉलेज. मतलब मैं मीडिया पार्टनर हूँ इसलिए, तो मैंने सोचा कि व्लॉग बना लिया जाए. सो बस अभी आधे घंटे में व्लॉग, मतलब सारा प्रिपरेशन हो रहा है, आधे घंटे में इवेंट स्टार्ट हो जाएगा. एंड कुछ देर बाद मैं तो नहीं, बट मेरा फ्रेंड, वन ऑफ माई गुड फ्रेंड रोहित, मिस्टर रोहित, वो लोग आज मेरे लिए व्लॉगिंग करेगा. तो आप लोग बस उनका वॉइस सुनिएगा, उनका एंजॉय करिएगा, क्योंकि मैं अगर करूँगा तो मैं लाइम लाइट में आ जाऊँगा ना, इसलिए इसलिए हम लोग वो जिसको हिडन रखेंगे. हाँ तो बस ओके. सो सो गाइस, फाइनली अभी बज रहे हैं 12. इवेंट जो अभी स्टार्ट हो रहा है. एंड इधर कुछ खाने स्टॉल लग चुका है. एंड अब शायद इसके बाद से कभी कभी मैं आऊँगा, बट इसके बाद से आप लोगों को चेयर मिस्टर रोहित व्लॉग करेंगे, ठीक है ना. स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार एक चीज देखना चाहता हूँ. देख सकता हूँ क्या भाई? एक तरफ अपने लड़के हैं, एक तरफ लड़कियां. मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि किसमें ज्यादा दोष है. तो एक बार लड़के, जब मैं 1-2-3 पे काउंट करूँ तो आप लोग चुप रहे. अरे बार आप लोग, ठीक है, समझ गए सभी लोग ना. ओके 1-2-3. हमारी लड़कियां किसी से कम नहीं है दोस्तों, वो नहीं डरती है. देख लेते अभी वो कितना शोर करेगी. लड़कियां रेडी हो ना, 1-2-3 गो. टक्कर है ब्रो. एक बार स्टेज पे आकर के एक गाना, किस एक अच्छे से गाने से हम लोग की शुरुआत करें, इससे कैसा माहौल सिस्टम में आ जाए भाई. क्या अब चेयर भी आ गया है, आप लोग सब सेटल डाउन हो जाइए धीरे धीरे. प्रोग्राम को शुरू करने से पहले कहा जाता है, कोई चीज एक बार अच्छी चीजें स्टार्ट हो. मेरे को भी बनाने के लिए किसी ने मेहनत किया है, तो आज मैं, जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया है, आज के आपके सामने मैं 2 शब्द बोल पा रहा हूं, आप मेरे को सुन रहे हैं, मैं उन्हें स्टेज में सबसे पहले बुलाना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इतना काबिल बनाया है कि मैं आने कर भी है तुमका मेरी जान के. देखिए एक मिनट
कुछ कंडीशंस की वजह से उनको स्टेज में नहीं बुला पाएंगे, वो कंडीशन बाद में रिवील होगा। 50K तक, चलो मैं बताई देता हूँ, 50,000 फॉलोअर उनका होगा जो शायद स्टेज रिवील करेंगे। तो मैं उनके तौर पर उनको जो इतना काबिल बनाए हैं, यानी उनके मम्मी पापा को मैं सम्मान पूर्वक स्टेज में आमंत्रित करूंगा। आइए मैम, आइए सर, प्लीज आइए। एक बार जोरदार तालियां। और मैं आपको बोलना चाहूंगा, दुमका मेरी जान के 20,000 फॉलोअर होने ही वाले हैं, कुछ सब्सक्राइबर बचे हैं। अगर वो कंप्लीट अभी हो जाएगा तो बेटा के कटेगा उनके लिए। तो जो फॉलो लीजिए प्लीज फॉलो कर लीजिए। चलो इवेंट को शुरू करते हैं। और मैं और जितने भी चीज के थे उन सभी को बुलाना चाहेंगे। और हाँ जी प्लीज दीदी जिया जी, मैं अच्छा मैं भूल गया हूँ, आप लोग को भी पता होगा किसके बारे में बात कर रहे हैं, सब जानते ही है। तो प्लीज एक बार मेरी धर्म पत्नी के लिए जोरदार ताली। और मेरे दीदी जीजा जी, मेरी बेटी, सबको मैं स्टेज, मेरी भांजी, सबको मैं स्टेज में आमंत्रित करूंगा। चलिए आइए और दीप प्रज्वलित में भाग लीजिए। आपके साथ ऐसे ही जैसे ये कोई भी प्रोग्राम शुरू होने से पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है, इस वजह से क्योंकि उससे जुड़े हुए सभी इंसानों का जो सितारे हैं वो लहराते रहे, जलते रहे, आप चमकते रहे। तो इस वजह से जितने लोग इस प्रोग्राम में हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं, सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। आप इनके पार्ट होने जा रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा सब अपने लिए। आप अपना सीट गरम कर लीजिए सबको, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मेरे पास है एक होस्ट है भाई, लेकिन अब तुम लोगों को तो पता ही है भाई इन लड़कियों के कितने सारे नखड़े होते हैं। अरे सुनो तो भाई, अभी तो शुरू हुआ है। देखो हम लड़के कैसे होते हैं, सुबह उठते हैं, अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है, क्या समझ में आ रहा ना, मतलब प्यार मोहब्बत वाली चीजें आया ना, तो आई थिंक हाँ अच्छा है। ये तो मेरी तारीफ कर रहे थे। अब जैसा तुम समझो, तुमसे करना बहुत, वो तो मेरी ऑडियंस जानते हैं कि मुझसे बात करना बेकार है या फायदेमंद। क्या है ऑडियंस, छोड़ो मुझे अपने ऑडियंस से बात करनी है। हाँ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। प्यारी होस्ट अर्टो, तो हाउ द जोस ऑडियंस, भाई चिल्ला के दिखाओ एक बार जोर से सब लोग। ये तो जीते हैं अपनों के सपनों के खातिर, ये तो जीते हैं, लेकिन कभी अपने घर पे भी तो नहीं जीते हैं। अजी लड़के भी रोते हैं जब घर से दूर होते हैं, क्या भाई सही बोल रहा हूँ कि नहीं? अभी नहीं, अभी और सुनिए, अभी तो और बाकी है। लड़के भी घर से बाहर मम्मी पापा के बगैर होते हैं, लड़के भी घर से बाहर मम्मी पापा के बगैर होते हैं। यदि लड़की घर की लक्ष्मी तो लड़के भी कुबेर होते हैं।
बस यादें ही पा जाती हैं अपने गांव जमीनों तक, बस यादें ही पा जाती हैं अपने गांव जमीनों तक, लड़के कहां जा। प्लीज एक बार कर दीजिए ताकि उनका 20 के हो जाए और हम केक काट पाए। जो बच्चे हैं नहीं फॉलो किए प्लीज करिए, एक बार इस परफॉर्मेंस तक कंप्लीट कर दीजिए, फिर करते हैं हम लोग केक कटिंग का कार्यक्रम। चलिए थैंक यू। एंड हम लोगों ने केक ले लिया अभी, एंड इधर अपना कुछ आतिशबाजी के लिए छोटा सा, क्योंकि वीडियो सच में नहीं बना पाया, एंड वहाँ पे सर ने मुझे सरप्राइज के लिए एक केक ऑलरेडी दे रखा था, तो बस। एंड रोहित अभी मेरे लिए केक लेके जाते हुए 20 केक का। ऐसे केक मत काट देना खाली, केक कुक नहीं काट देना। माली थैंक यू इतना ज्यादा प्यार देने के लिए मुझे, मेरी बातों को और दुमका मेरी जान को। एक बार आप खुद के लिए दोबारा ताली बजाइएगा और इधर शोर शराबे के साथ एक बार जितना भी वॉलंटियर है मैं चाहूंगा ये वाला राउंड टेबल ऊपर करिए बेटा, यहाँ पे लाके लेके आइए एक बार। उनको मैं सम्मान पूर्वक स्टेज में बुलाना चाहूंगा केक कटिंग के लिए। क्लैपिंग बनता है, जोरदार तालियां, क्लैपिंग बनता है। चलिए आइए ऐसे कहा एक बार क्लैपिंग बनता है। ओ और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। ये क्या कर रहे हैं लोग? अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर दे। बुलाना तो बुला, बुला इसको, बुलाने तो बुला, कॉल कर दे। नंबर देगा तू, कॉल करो तू, कब तू बेबी पहले जा, तू बाहर निकल, मैं कह रहा हूं भाई लोग से। ये क्या हो रहा है पता नहीं, बट रोहित पूरा लगा हुआ है वीडियो निकालने में, व्लॉग निकालने में। दिलाऊंगा कंगना दिलाऊंगा, सब कुछ मिलाऊंगा तेरी कसम, चंदा चुराऊंगा तारे भी लाऊंगा, सूरज झुकाऊंगा तेरी कसम। नहीं यार क्या कर रहे हैं आप, ऐसे नहीं, एक पर्सनालिटी है यार, स्टाइल है एकदम हीरो टाइप। मजाक किया ना, मुंह तोड़ूंगी।
नहीं पड़ी थी। आपको देखा आप तो दिल में आ गई मोह, सकल आपकी ऐसी जैसे बत्तक की चोट। एक पर्सनैलिटी है यार, स्टाइल है, एकदम हीरो टाइप। कुछ दिनों के बाद आप लोग अलग हो जाइएगा, लेकिन जो इमोशन और प्यार और जो रिस्पेक्ट आप लोगों ने दिया है ना, लिटरली मैं कहता हूँ अब ज्यादा बोलूंगा तो आंसू आने वाला काम हो जाएगा। जीवन में जुड़े रहिएगा, जिस तरह का सपोर्ट होगा लाइफ में आपको मिलेगा। और इस इवेंट को आपके वजह से ही चार चांद लगाया, और मेरे जीवन में जो मैं भी आपके साथ साथ आगे बढ़ रहा हूँ, इनका योगदान सब आपके लिए ही, आप ही लोग से वो योगदान मिला है हमको। फेस्ट होने वाला था और उसका तारीफ कितनी दफा मैंने क्लास में किया था वो आप आज लाइव देखेंगे। जितने भी हमारे जाने माने सिंगर हैं दुमका के, और भी बाहर से कुछ कुछ आया, सब इंट्रोडक्शन होगा तो आप देखिएगा। तो कोई सीट नहीं छोड़िएगा, कुछ ही देर में हम खाना स्टार्ट करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार एनर्जी दिखनी चाहिए और अंदर से आनी चाहिए कि लाइफ में हम कुछ अच्छा करेंगे। तो एक बार बोलिएगा, वी विल Thank you.
अब मैं स्टेज हैंड ओवर करना चाहता हूँ इस म्यूजिक फेस्ट के। बता रहे थे कि वहां जाओगे तो भोजपुरी मत गाना, नागपुरी मत गाना, लेकिन मुझे लगता है कि पहले पब्लिक है बाद में हम हैं। सहयोग करेंगे, सहयोग करेंगे। एक बार भैया के लिए ताली बजा दीजिए। एंड इवेंट का जो खाना है वो यहाँ पे तैयार हो रहा है। उधर जो है चिकन है, इसमें मिक्स वेज तैयार किया गया है। ये मिक्स वेज आइटम है एंड यहाँ पे जो है ये पनीर का आइटम है। बाकी जो वहाँ पे तैयार हो रहा है, सैलेड, चावल, सैलेड कट रहा है, बस कुछ देर में वेट खत्म हो जाएगा। अभी हो रही है 2:41, 3 में खाना स्टार्ट हो जाएगा। और हमारे को पार्टनर सेवेंथ हेवन, जिनको आप जानते भी होंगे, रेस्टोरेंट है केक वगैरह के लिए, वहाँ पे आप ये कर सकते हैं। और भी इस इवेंट को अच्छा बनाने के लिए बहुत ज्यादा सहयोग किया है। गोल्डी सर को प्लीज, गोल्डी सर हमारे साथ ज्वाइन कीजिए और बच्चे को हौसला अफजाई कीजिए। विश्वजीत सर और भी मैम, आप लोग भी आइए प्लीज। गुड़िया मैम पीछे बैठी हुई है, बहुत देर से छुपी हुई, आप भी आइए। मैम वाला मेरा घर में है ना, उनको बस बताइएगा। तो एक बार मैं अपनी धर्म पत्नी के लिए भी तालियां बजवाना चाहूंगा, उनको भी स्टेज में बुलाना चाहूंगा। आइए आइए मैम, मेरी आइए। उन लोगों को भी स्टेज में बुलाना चाहेंगे और पापा मेरे हैं, अगल बगल हैं तो पापा भी। फर्स्ट सेकंड थर्ड अनाउंस करता हूं जो हमारे विनर हैं। तो कहता है लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो देखिए सभी में बहुत, बाकी सभी बच्चों के हौसला अफजाई को लेके आपको अग्रवाल एंड हेयर ब्यूटी की तरफ से और स्टूडेंट बुक डिपो की ओर से संतावना पुरस्कार दिया जाएगा। एक बार सम्मान पूर्वक स्टेज में बुलाना चाहूंगा, हाँ जो आप सोच रहे हैं मेरे ससुर जी हैं, उनको भी इनवाइट करूंगा मैं। प्लीज पापा आइए, आप इस स्टेज को ज्वाइन कीजिए। ईमानदारी पूर्वक आज के प्राइस से कोई दुखी नहीं होइएगा, कुछ अच्छा करने का सपना लीजिएगा ताकि और अच्छा होगा लाइफ में आपकी, ठीक है। तो मैं थर्ड प्राइज को डिजर्व करती है, उनका नाम है नाच। जहां भी है एक बार आइएगा बेटा, जोरदार क्लैपिंग के साथ शुरू कीजिए, क्लैपिंग कीजिएगा इनका। और सम्मानित करने के लिए मैं स्टूडेंट बुक डिपो के ऑनर को बोलूंगा कि आइए सम्मानित करिए, और अग्रवाल हेयर ब्यूटी को बोलूंगा कि उनके ऑनर को बोलूंगा कि आप सम्मानित। जो इस इवेंट में सेकेंड प्राइज को डिजर्व करती है, सानवी क्लास 12 की बच्ची है। सानवी फादर और अपनी मदर, माँ पापा को बुलाना चाहूंगा कि आप आज के इनको सम्मानित करिए, प्लीज आइए। मम्मी आइए ज्वाइन कीजिए। और ये आपको अग्रवाल है ब्यूटी की तरफ से। सेवेंथ हेवन की तरफ से सेकेंड जो आए हैं उनके लिए ट्रॉफी, शानदार चमचमाता हुआ ट्रॉफी की व्यवस्था है। ट्रॉफी वहां पर और इनको सम्मानित करने के लिए मैं गोल्डी सर और गुड़िया मैम को इनवाइट करना चाहूंगा, जो डायरेक्टर है, जो दुमका के जाने माने हस्ती है,
एक बार गोल्डी सर के लिए तारीफ और ताली बनता है प्लस टू स्पेक्ट्रम एकेडमी की ओर से एक बार जोरदार ताली मारिए। अपने नाम किया है फर्स्ट प्राइज तो आप लोगों के जोरदार तालियों के साथ उनको बुलाना चाहूंगा पल्लवी को जो फर्स्ट विनर प्राइज उनको जाता है एक बार जोरदार ताली। और इनको सम्मानित करने के लिए मैं राजेश सर को जो SBI में काम करते हैं मेरे फादर के सीनियर है सर और मैं अपने पापा को बोलूंगा सामने आएंगे और मेरे जीजा। अग्रवाल हेयर ब्यूटी की तरफ से भी है आपका कुछ प्राइज फर्स्ट है इनके लिए एक चमचमाता सर ट्रॉफी मोटिवेट करिए ताकि और कुछ आगे ये करेगा प्लीज एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। बोला जाता है कि एंकर जो होता है सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो मैं फाइनली रात के पापा अभी मैं खाना खा रहा हूँ खाना का आइटम आप लोगों को मैंने दिखा दिया था बाद में ड्रोन फुटेज मैंने थोड़ा सा लिया वो ऐड कर दूंगा एंड ये लास्ट सीन है तो आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा जो कि द यूनिवर्स क्लासेस की तरफ से था एंड छोटा सा कंट्रीब्यूशन था सो बस यही इस व्लॉग को एंड करते हैं ओके सो बाय एवरीवन।